Okay, so our topic is implicit function, derivative of implicit function. हम आज पढ़ेंगे कि implicit function का derivative हम कैसे निकालते हैं. तो dear students, सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि implicit function कौन सा function होता है. क्योंकि आपने जो इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ा, इससे पहले जो हमने डिफरेंशिएशन की, उसमें क्या होता था, उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन होता था, वो पूरे एक ही वेरिएबल में होता था. क्या करते थे हम उसमें, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास होता था 2x² + 5, तो इसको क्या करते थे हम, इसको हम लेट करते थे ये y इसको टू दिस थिंग. ये फंक्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये x के टर्म में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे y इक्वल टू एफ एक्स. मीन्स के जिस फंक्शन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था. इस क्वेश्चन में हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है. द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x. सो हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो लिहाजा जिस क्वेश्चन में, जिस एक्सप्रेशन में, जिस फंक्शन में हम y को आइसोलेट कर सकते हैं और x वाले टर्म्स को आइसोलेट कर सकते हैं, तो उस टर्म्स, उन टर्म्स को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन. और जिन क्वेश्चंस में, जिन एक्सप्रेशंस में हम ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, इन विच एन एक्सप्रेशन या एन अ फंक्शन इन विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन y is equal to fx, जिस क्वेश्चन में, जिस फंक्शन में हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें डायरेक्ट खाली x वाली टर्म्स दी होती थी, वो पूरा क्वेश्चन जो था वेरिएबल x में था. दैट वाज देवर those all questions were in term of x, so we name those questions fx. और हम उसको let करते थे या दिया होता था y is equal to fx, y is equal to this thing or this thing. So we can say that y is equal to fx. Here x was independent and y was dependent. In that case, we can say that if we have y is equal to fx, then that function is explicit function. Otherwise, the function is implicit function. Otherwise means if we cannot represent any function in the form of y is equal to fx, then the function is called implicit function. Means simple language में हम ये कह सकते हैं कि जिस expression में, जिस function में हम y को अलाइदा नहीं लिख सकते हैं, y को एक साइड और x वाली टर्म्स को, y वाली टर्म्स को एक साइड और x वाली टर्म्स को एक साइड लिख सकते हैं, बल्कि हम अगर ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये बोले कि हम अगर सिर्फ y is equal to something लिखें, अगर हम ये लिख सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन जो है, वो फंक्शन जो है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा. अगर नहीं लिख सकते हैं, अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को, अगर हम पूरे फंक्शन को y is equal to something नहीं लिख पाते हैं, तो उस केस में वो फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा. तो आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स a function in which we cannot represent क्या हम क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, y is equal to fx. जिस फंक्शन में हम y is equal to fx रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट द फंक्शन इज कॉल्ड
implicit function. Implicit function. वो function क्या होता है? Implicit function होता है. अब हम उस question solve करेंगे जो आपकी book में है. पहले हम कोई implicit function लेंगे, फिर उसका हम derivative मालूम करेंगे. जैसे हम क्वेश्चन लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y. तो यहां से आप देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू की शक्ल में हम नहीं लिख सकते हैं. वी कैन नॉट राइट y इज इक्वल टू समथिंग. अगर खाली इतना ही होता, अगर हाँ, अगर यहां पे साइन y नहीं होता, अगर यहां पे कुछ और होता, अगर यहां पे मान के चलो कोई कॉन्स्टेंट 10 होता, फिर हम लिख सकते थे. फिर हम उसको क्या लिख सकते थे? फिर हम ऐसे लिख सकते थे 3y is equal to 10 minus 2x and y is equal to 10 minus 2x upon 3. हम लिख सकते थे. बट अगर यहां पे अब साइन y है तो उस केस में हम नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो एंगल है उसका. If it is sin y, ये y जो है इसका एंगल है, so we cannot separate. हम इसको isolate, separate नहीं कर सकते हैं. We cannot isolate y from sin, because y here y is angle of sin. तो अब इस implicit function का derivative कैसे निकालना है? इसमें हम y is equal to this thing नाम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे already y है और equality का sign भी है. तो क्या करेंगे? 2x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? ओनली 2 प्लस 3. अब y का डिफरेंशियल क्या आएगा? पहले y आएगा, फिर अगेन ऑफ y वो क्या आएगा? dy by dx, क्योंकि हमने dy by dx निकालना है. dy by dx निकालना है, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. यहां पर नहीं देखा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम कर रहे हैं तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1. यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, बिकॉज हियर इज नॉट एक्स. सो यहां पे अगर खाली वाई है तो इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी हैव टू राइट डी वाई बाई डी एक्स. सिमिलरली यहां पर पहले साइन थीटा की क्या आएगी? कॉस थीटा, लेकिन थीटा क्या है यहां पर? वाई है. अब दोबारा किसकी हो जाएगी? वाई की हो जाएगी, dy by dx. आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो dy by dx y टर्म इस साइड भी आई और इस साइड भी आई, और एक इनके साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म है. कॉन्स्टेंट टर्म को इसी साइड रखेंगे, इनको हम एक साइड ले जाएंगे dy by dx y टर्म को. तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे. पहले ये लिखेंगे cos y dy by dx, ये जब उस साइड चले जाएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स. आप क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इसको कॉमन ले लिखेंगे. 2 इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब चूंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, dy by dx अगर हमें निकालना है, तो ये चीज जो है ये इसके अपान में चली जाएगी. सो 2 अपान cos y माइनस 3 इज इक्वल टू dy by dx, और इसको इस साइड लिखो dy by dx इज इक्वल टू 2 अपान cos y माइनस 3. दिस इज योर आंसर. सो दिस वाज इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अब चूंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपनी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स, अगर हम आप इसको पूरा थीटा मानेंगे तो साइन इनवर्स थीटा की डिफरेंशिएशन अपनी कुछ और होती है, क्या होती है, वो होती है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस थीटा स्क्वायर। अगर आप एक्स सॉरी यहां पे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप कर रहे हो तो यहां पर भी आपको थीटा की जगह एक्स लिखेंगे और यहां पर भी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो लेकिन यहां पे साइन इनवर्स एक्स नहीं है, यहां पे इतना बड़ा एंगल है, इतना बड़ा नंबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस कन्वेंशंस अपनी आसानी के लिए हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। अगर आप वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपकी स्ट्रांग है तो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्वड विद इन नो टाइम, आप इसको विद इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला है जैसे आपको पता है यहां पे अगर साइन इनवर्स है, यहां पे साइन कहीं टू थीटा अगर बनेगा, टू एक्स साइन टू एक्स का फार्मूला है, दिस इज टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन टू एक्स इसके इक्वल होता है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इस आइडेंटिटी को अगर इस आइडेंटिटी को इस एंगल के साथ इस नंबर के साथ अगर आप मैच करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, अगर यहां पे x की जगह क्या होगा टू टेन एक्स, टू टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स स्क्वायर, अगर इस पूरे x की जगह पूरा टेन एक्स होगा, अगर इस x की जगह पूरा टेन एक्स होगा तो यू कैन राइट डाउन साइन टू एक्स, उसकी जगह आप आराम से साइन टू एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमने यहां x की जगह क्या पुट करना है tan x। अब फार्मूले का कन्वेंशन हम क्या लिखेंगे, पुट x का हम क्या पुट करेंगे, tan x नहीं पुट करेंगे, हम कोई और चीज पुट करेंगे, हम करेंगे tan थीटा पुट, क्योंकि x इस साइड भी लेंगे और x इस साइड भी लेंगे तो सुटेबल नहीं रहेगा, एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे। तो जो अब हमने यहां नई चीज लाई, इस साइड एक्स था, इस साइड में एक्स नहीं ले रहा हूं, इस साइड में ले रहा हूं टेन थीटा, यहां इस साइड थीटा ले रहा हूं, इट इंप्लाइज यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू खाली कितना निकलेगा टेन, इस साइड क्या आ जाएगा, ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स, ये हमें अभी काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में x को x की जगह क्या पुट करते हैं tan थीटा, तो आई एम फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपनी जगह टू भी अपनी जगह tan x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम tan थीटा अपॉन वन प्लस x की जगह tan थीटा, तो अगर इधर x स्क्वायर तो यहां tan स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह हम टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है साइन टू एक्स, अब यहां पे एक्स नहीं है यहां पे थीटा है, तो हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, सो हियर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स एंड साइन इज एलिमिनेटेड, सो वाई इज इक्वल टू ओनली टू थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू थीटा है हमारे पास tan इनवर्स x, यहां से क्वाइट इजी हो जाएगा, देखो यहां पे एंगल अब कितना सिंपल बन गया है, x x हमें एंगल मिला, यहां पे कितना मुश्किल होता अगर हम इसको डायरेक्ट साइन इनवर्स की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो होती है अगर उस तरीके से हम करते, क्योंकि यहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंगल था, यहां पे आप हमें बहुत सिंपल एंगल मिला है, तो अब हम यहां इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू अपनी जगह टू बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स
tan inverse x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये होती है tan inverse की डिफरेंशिएशन। तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस, तो ये हमारा है dy / dx, y dc है। अब यहां पे आपको डाउट होगा, यहां पे x को tan थीटा ही क्यों पुट किया मैंने, मैंने x को cos थीटा क्यों नहीं पुट किया, ये इसलिए मैंने पुट किया, हमने इस चीज को मैच करना होता है। और साथ में आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं, उनको आपने स्ट्रांग करना है, याद रखना है। उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखकर मुझे यहां से पता चला, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैच करके, इस एंगल के साथ मैच करके मुझे पता चला कि मुझे x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है, ताकि मेरे पास यहां पर साइन और के साथ साइन ही बन जाए, तो साइन और साइन एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से मेरा क्वाइट इजी बन जाता है। सो इन दिस वे वी कैन राइट ऑन द वी कैन हैव dy / dx ऑफ दिस y। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। Our next question is y is equal to sin inverse 2x into 2x root square root of 1 minus x square। तो यहाँ पे अब हमें क्या पुट करना है, अपनी आइडेंटिटीज को देखना है। आपको मालूम है अगर यहाँ पे sin inverse है, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि sin inverse अगर यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके पास आगे sin थीटा बनेगा, sin थीटा या sin 2 थीटा जो भी बनेगा sin यहाँ पे बन जाएगा, ताकि साइन और साइन इनवर्स दोज आर एलिमिनेटेड। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब उसके लिए आपको कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, आप यहां पे देख रहे हैं साइन टू थीटा अगर हम बनेगा, अगर हम बनाएंगे साइन टू थीटा, तो एक तो अभी मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू एक्स या साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो टेन शक्ल में आप, मैंने आपको बताया, जिसमें वन अपान समथिंग था, वन अपान वन प्लस अपान में समथिंग था, वन प्लस एक्स स्क्वायर या टेन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अपान नहीं है, इसके लिए साइन टू थीटा का कोई और फॉर्मूला है। साइन टू थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए टू साइन थीटा, और ये चीज अगर आपकी कॉस थीटा बन जाती है तो आपको आपको बहुत आसानी बन जाएगी। 2 साइन एंड इसका मतलब यहां है 2 साइन थीटा कॉस थीटा करूंगा, उसको मैं फिर 2 साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो 2 यहां ऑलरेडी है, इस एक्स स्क्वायर का लिखना है अब मुझे साइन थीटा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि मुझे एक्स का क्या लिखना है, साइन थीटा। तो लिहाजा हम पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, जहां पे ये थीटा जो है इट इम्प्लाइज थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स है, साइन पीछे आएगा एक्स के साथ, ये इनवर्स बन जाएगा। तो आइए इसमें हम प्रूव करेंगे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स का क्या प्रूव कर रहे हैं, साइन थीटा, टू साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स टू साइन थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या बचा हमारे पास टू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स अपनी जगह साइन टू थीटा, ये हमारा वाई चल रहा है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब यहां से आगे साइन इनवर्स एंड साइन एलिमिनेट, वाई बचेगा, वाई इक्वल टू टू
थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, वाई स्क्वायर टू साइन इनवर्स एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट वाइज डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट टू। अपनी जगह इसकी डिफरेंशिएशन आ क्या आएगी, वन अपॉन ये होती है वन, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर या टू वन जार टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।